नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अमरस, जो कि काफ़ी रिफ्रेशिंग और टेस्टी होता है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने दो कैरी ली हुई हैं, जिसको मैं डाल रही हूँ कुकर में, और 3 सीटी लगाऊंगी मैं इसमें। हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है पुदीना और 2 हरी मिर्च, इसका मैं पेस्ट बना लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। अब हम एक बोल लेंगे, जिसमें हम निकाल लेंगे कैरी जो हमने उबाली थी। तो ये अच्छे से उबल चुकी है, तो अभी हम कैरी ठंडी होने देंगे। ठंडी होने के बाद हम ऊपर की जो स्किन है वो हम निकाल लेंगे। तो अभी जो मैं स्किन है वो फेंक नहीं रही हूँ, अभी साइड में रख रही हूँ। तो पहले मैं स्किन निकाल लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 ग्लास ठंडा पानी। आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, फिर बाद में फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 ग्लास पानी डाल दिया है। अब इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच चीनी। आप चाहे तो गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हम पहले चीनी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे। ऊपर की जितना भी ये पल्प है वो हम निकाल लेंगे हाथों से। और ऊपर से जो हमने स्किन निकाली थी उसमें से भी मैंने निकाल लिया, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो एक बार हम इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैंने इसमें डाल दिया है नमक 1 चम्मच, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है भुना हुआ जीरा, यानी कि जीरा पाउडर। और ये हमने जो पेस्ट बनाया था पुदीना हरी मिर्च का, ये वो है। तो एक बार हमें पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेडी है, ऊपर से आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। ये बहुत रिफ्रेशिंग होता है, आप इसको ठंडा ठंडा, ज़्यादा ठंडा भी नहीं और नॉर्मल थोड़ा सा आप ट्राई करिएगा। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।